Brought to you by Physics Wala. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक एक मंत्री के बयान ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ओपीएस भदौरिया शिवराज सरकार में मंत्री है, कट्टर सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए यह आरोप लगाया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हारे थे तो उसकी एक बड़ी वजह थी मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ। ओपीएस भदौरिया ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ के घर पर बैठकर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने की पूरी साजिश रची गई थी। उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह को ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, जो उनको भले ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया हो। गोविंद सिंह ने एक बयान हाल ही में दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वो काफी हैं। तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह के लिए तो ओपीएस भदौरिया अकेला काफी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तक तो वो जा ही नहीं सकते। ये तमाम बातें उन्होंने कही है, कट्टर सिंधिया समर्थक। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो उनके मुंह से निकलनी थी। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे थे, इसके पीछे कमलनाथ की साजिश थी, ये गंभीर आरोप लगाया ओपीएस भदौरिया ने। क्या कुछ कहा उन्होंने कमलनाथ को लेकर के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव हारने को लेकर के, एक बार वो सुनिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी तक कांग्रेस सिंधिया जी से डरी हुई थी, अब वो भयभीत और घबराहट में है। और एक और बात का मैं रहस्य उद्घाटन करना चाहता हूं कि सिंधिया जी को हराने का षड्यंत्र वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भवन में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि वो ये चाहते थे, क्योंकि सिंधिया जी उनके लिए बड़ी चुनौती थे और वो नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी जैसा लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीते। मुख्यमंत्री भवन से अन्य प्रदेश के नेताओं को पैसा देकर के बुलाया गया और सिंधिया जी के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। अगर गोविंद सिंह जी को हार जीत की चिंता है तो वो राहुल बाबा की चिंता करें, जो खुद भी चुनाव हारते हैं और उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक क्षेत्रीय दल से भी छोटा दल बन के रह गई है। सिंधिया जी लोकप्रिय थे, लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय रहेंगे। सिंधिया जी की पहचान सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिंधिया परिवार में पैदा हुए, वो तो उनको विरासत में मिला ही है, पर सिंधिया परिवार की लोकप्रियता इस क्षेत्र और अंचल में जो उन्होंने विकास किया है, वो विकास और पूरे प्रदेश के प्रति उनकी जो विकास के प्रति लगन रहती है, वो उसका उनकी लोकप्रियता का मूल कारण है। कांग्रेस को और खासतौर से मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को इस ग्वालियर चंबल अंचल से माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास एक साल में पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। तो सुना आपने ओपीएस भदौरिया को। ओपीएस भदौरिया फिलहाल शिवराज सरकार में मंत्री है, कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में आए थे। तो आप देखिए, उनको उपचुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बने हुए हैं वो शिवराज सरकार में बाकायदा, और कट्टर सिंधिया समर्थक है ही, तो उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन कमलनाथ ने खुद, क्योंकि कमलनाथ ग्वालियर में मौजूद थे शनिवार शाम को, तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि ओपीएस भदौरिया का कुछ कहना, तो कमलनाथ ने साफ कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव हार गई थी, छटपटा रही थी, इसलिए उन्होंने सरकार बनाने के लिए चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ओपीएस भदौरिया के आरोपों पर क्या कुछ कहा कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री ने, एक बार वो सुन ली। अब तो बीजेपी का ये अंदरूनी मामला हो गया, तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। अगर बीजेपी ने उन्हें हराया, बीजेपी दोनों खिलाफ बीजेपी उनके खिलाफ चुनाव लड़ाई थी, तो वो तो हराने का पूरा प्रयास करते। किस तरह की रणनीति, अब आगे की रणनीति क्या है? देखिए, आज जो प्रदेश की तस्वीर है, प्रदेश की तस्वीर है, कोयला नहीं, बिजली नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं, रोजगार नहीं, ये आज तस्वीर प्रदेश की है। और आम जनता को ये गुमराह करने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये कर रहे हैं। ये बात आज ये सोचते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मतदाता ये तस्वीर अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देंगे। तो सुना आपने, दरअसल मध्य प्रदेश में अब एक तरीके से देखा जाए तो चुनावों को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है, और उससे ठीक पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव में अभी एक साल का लंबा समय बाकी है, लेकिन ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में अगले चुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं।